हेलो एवरीवन। तो ये सुबह वाली ही वीडियो है जो आधी रह गई थी ना, गाजर के हलवे वाली। घी तो नहीं निकालेंगे। इसमें भी घी है, उस वाली में भी घी था। वो 1.5 लीटर है और ये 2.5 लीटर की कैन है, तो मैं भर के रखती हूँ हमेशा। तो घी में बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा घी डाल के इसको भून लूंगी, यानी जो गाजर है ना उसको भून लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रेसिपी। तो यहाँ पर है ना, अब जो घी मैंने डाला है उसको अच्छी तरह से पहले पिघला लेना है। उसके बाद ये जो मैंने गाजर कद्दूकस करके रखी हैं, सॉरी जेन रखी हैं, तो जब घी हल्का सा हो जाएगा ना, उसके बाद ये सारी गाजर को इसके अंदर डाल के और तब तक भूनना है जब तक कि गाजर है ना सॉफ्ट ना हो जाए, गाजर में से जो मॉइस्चर होता है ना गाजर का वो निकलने ना लगे। तब तक आपको इसको चलाते हुए बार बार पलटते हुए ना भून लेना है, ताकि गाजर है ना आपकी जले भी नहीं और हल्का हल्का सा उनके अंदर है ना येल्लोनेस, जो पीलापन आता है ना वो आ जाना चाहिए। क्योंकि मेरी जो गाजर है ना बहुत ज़्यादा रेड कलर की नहीं थी और ज़्यादा मीठी भी नहीं थी, तो मुझे चीनी भी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ी। सो अभी है ना यहाँ पर मैंने सारी गाजर है ना ट्रांसफ़र कर ली है इस। तो आज है ना आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मेरे घर में ना जो चांदे बनवाए थे ना उन पे सब टंकी वगैरह शिफ्ट हो रही है ना, तो काफ़ी सारे कारीगर लगे हुए हैं, इसकी वजह से ना आपको बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ सुनाई देगी, उसके लिए सॉरी। सो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ना मैं कितनी धीरे धीरे से गाजरों को ना यानी पलट रही हूँ कि कहीं वो जल ना जाए। और जब तक मैंने इनको तब तक पलटा था जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो गई थी, क्योंकि इस तरह से अगर हम धीमी आँच में इनको पलटते हुए पकाते हैं ना तो गाजर में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। गाजर के हलवे में गाजर एकदम सॉफ्ट भी हो जाएंगी और ना बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा। और एक चीज़ और है, गाजर का हलवा अगर बनाते हो ना तो गाजर को अच्छी तरह से धो लेना, पोंछ लेना और हल्का सा उनको ना यानी चाकू से ना उनको छील भी लेना, तो फिर है ना गाजर बहुत अच्छी बनती है, गाजर का हलवा भी बहुत अच्छा बनता है। और आज है ना जल्दी जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कुछ गड़बड़ हो जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजर है ना काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुकी है, मैंने इनको इससे भी ज़्यादा देर तक पकाया था। गाजर को आप तोड़ के देख लेना कि गाजर एकदम सॉफ्ट हो चुकी है नहीं, क्योंकि अगर कच्चापन रहेगा तो ये समझ लेना कि अभी इसको और भुनना है, लेकिन मेरी गाजर अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो अब यहाँ पर है ना मैं डालूंगी घर की फ्रेश मलाई। तो ये मानिए कि मैंने एक कटोरी भर के घर की फ्रेश मलाई जो होती है ना वो डाल दी थी, और अच्छी तरह से चला लेना है। आप लोग चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मावा डालने वाली हूँ, यानी जो खोया होता है ना वो डालने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर मलाई डाली है और इसके साथ में ही मैं डालूंगी जो घर का यानी मावा होता है ना, लेकिन मैंने घर पे नहीं बनाया था, मैंने बाजार से मंगवाया था और एकदम फ्रेश ताज़ा था, क्योंकि हमने हमारे रिलेटिव के वहाँ से ही मंगवाया था और इतना अच्छा मावा था ना कि मैं उसको कच्चा खा गई थी, इतना अच्छा था। और यहाँ पर है ना मैं अभी है ना डाल रही हूँ एक कटोरी चीनी, क्योंकि मेरे यहाँ पर 5 किलो के करीबन है ना ये वो थी, 5 किलो नहीं शायद 4 साढ़े 4 किलो के करीबन गाजर थी, और गाजर जिस हिसाब से मीठी होती है ना उस हिसाब से मैंने चीनी डाली है। और फिर चीनी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हो, मैंने हमारे स्वाद के अनुसार डाली है। और बस चीनी डालने के बाद है ना अच्छी तरह से इनको ना भून लेना है। जब तक आपको इसको भूनना है तब तक कि चीनी का जो चाशनी होती है वो एकदम ख़त्म ना हो जाए। और यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ मावा जो मैंने आपको बताया था ना, और आप देख सकते हैं कितना फ्रेश मावा है, ये मेरे हाथों में चिपक रहा था। जय ने मुझे खिलाकर भी दिखाया था कि देख कितना ताज़ा मावा है, तो वो बहुत ही अच्छा था, सच में बहुत मीठा मावा था। तो बस इसको डाल के अच्छी तरह से ना इसके अंदर मिक्स कर लेना है और इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये ना हलवे के अंदर जो गीलापन रहता है ना वो ख़त्म ना हो जाए। और जब हलवा पक जाएगा ना उसके बाद भी आप देखोगे कि हलवा किस टेक्सचर में आया है। तो चलिए इसको मैं फटाफट से पका लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना हलवा बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है और अब मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ पर केवल बादाम डाले हैं क्योंकि घर पे है ना और कुछ था ही नहीं, सब खत्म हो चुका था, तो ये भी काफी अच्छा लगता है।
भगवान, देखो मैं अभी किचन में से काम करके आई हूँ और देखो मेरे घर की हाल। ये बैठे यहाँ पे जे आज करा रहे हैं मोलू को होमवर्क। हाय बोलो सबसे अच्छे से, अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो और अच्छे से बोलो। अब ये बताओ, ये एक लड़का पढ़ाई करने बैठा है देखो, हैं? वो आरू का काम है, पूरा सोफा खराब करना आरू का काम है। वो जय का काम है शर्ट पहन पहन के चेक करके वहां डाल दी। ये देखो वो आरू का काम है या मुझे इसी वजह से घर में एक एक्स्ट्रा रूम की जरूरत है। और देखो वहां बैठ के आराम से फोन देख रही है। अब देखा किचन में से काम करके आए, वहां सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन करके आए, साफ सुथरा। अब यहाँ ड्यूटी चालू, कौन कहेगा ये मेरा लिविंग रूम है। इस वजह से ना पूरे घर की तोड़फोड़ करानी पड़ी है, आप लोग समझ गए, क्योंकि मुझे एक रूम एक्स्ट्रा चाहिए इनकी वजह से। पेट में दर्द हो रहा है, पोछी करके आओ जाओ। मैं जानती हूँ इसका पेट का दर्द कहाँ है, पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी दर्द हो रहा है। चलो हम तुम तब तक गाजर का हलवा खाते हैं, ये बच्चे नहीं खाते हैं, दोनों में से एक भी हटाओ ना। मैं भी नहीं खाता। तुम क्यों खाओगे, खाने वाली चीजें तो तुम खाते नहीं हो। और अब ये सब खा खा पी के फिर मैं लगती हूँ घर की सफाई में। बच्चों ने तो सही में मेरे घर को ना कबाड़ा बना रखा है, देखो पीछे कपड़े। हे भगवान, देखो इनको क्या मस्त लाइफ है। नहीं बीवी बना कर ले आई, खा लो और खा के पानी पी के सोने चले जाओ। घर कौन साफ करेगा, देख रहे आरू को, कौन साफ करेगा? तो तुम क्या करोगी? फैलाएंगे फोन, फैलाएंगे जय करें फैलाएंगे। और आप लोग भी आ जाइए गाजर का हलवा खाने के लिए। जय बताओ तो सही कैसा बना है? अच्छा अच्छा, ये और ज्यादा अच्छा नहीं है? खत्म बताऊंगा, देखा मैं खत्म करूंगा उसके बाद बताऊंगा। ला मेरी कटोरी वापस, लाओ 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 जल्दी लाओ, मैं चेक करके बताती हूँ। गरम है, मुझसे ना गरम चीज नहीं खाई जाती है, और ये है ना इनसे ठंडी चीज नहीं खाई जाती। गाजर के हलवे का तो जवाब नहीं। हम चले मोलू के पास। ओ, मेरा घर, ये देखो जय क्या करना है। अच्छा घड़ी खराब हो गई है। और देखो यहाँ अभी है ना साफ नहीं हुआ है, ये मेरे बेटे ने साफ किया, मेरी छोनी मोनी ने। क्या किया, कहाँ रखा सारा सामान मुझे दिखा। मेरा ये ले लिया। दीदी का है, मोलू झूठ नहीं बोलता। देखो मोलू ने कैसे सामान भर दिया। मोलू हटिए बेटू, लालू हटिए, देखो घर साफ किया है, सब उठा उठा के इसके अंदर भर दिया। दीदी का है मोलू, नहीं गंदी बात नहीं, दीदी का सामान है। देखो दोनों में लड़ाई हो रही है। मोलू बेटा दीदी का है ना, वो छोटे बच्चे नहीं लगाते उसको। आरु कहाँ से लाई बेटा ये? मेरे कुरकुरे में निकला था। कुरकुरे दिखाते थे मुझे, ये वो है बैग में लगाने वाला। मोलू तुमको भी ऐसा ला देंगे कल, छोटा दीदी का है बेटा, हर चीज दीदी की नहीं लेते। तो गुड बॉय है ना, मैं तुझे छोटा सा डॉगी दूंगी, मेरे पास है इतना छोटा सा डॉगी चैन में लगाने के लिए, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के दूंगी। देखो मोलू ने सफाई करी है, मोलू की सफाई को लाइक करना। साफ किया था ये। उसने घर साफ किया है, देख कितना नीट एंड क्लीन कर दिया घर। और जैसा भी किया यार, बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। आज आरू ने सुबह कवर्ड साफ किया, मोलू ने शाम को बिगाड़ दिया। तो मोलू की लड़ाई मत करो, मोलू की सफाई को लाइक जरूर करना। मोलू बोलो मेरे काम को लाइक जरूर करना, और हमारी लड़ाई को सब्सक्राइब भी करना। बेल आइकन दबा देना, काफी लोग भूल जाते हैं बेल आइकन दबाना। मोलू दीदी परेशान ना करो, हाँ मैं दिला दूंगी। आरू चलो बेटा चलो चलो चलो, दीदी को ज्यादा परेशान करता है ये जो मेरा छोना मोना, ये जो तेरी बड़ी दीदी है, वो जो तेरी बड़ी दीदी है, वो तेरी बड़ी दीदी है, और जो जिजी जिजी हो जाता है तो छोटा बन के फायदा उठा लेता है। छोटा होके फायदा उठा लेता है, है? ये मुझे ये जो बेईमानी करता है तू। ले 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 ले, तेरा इस घर में कुछ नहीं है, किसका है तो सब कुछ? सब आरू का ही है। अरे राम रे, है मोलू आरू दीदी का ही है सब कुछ, तेरा कुछ भी नहीं है?
मम्मी को वर्कशॉप के ऊपर पहुंचा दो। अच्छा चांद पे पहुंचा दो। छच्ची देखो, ये दोनों भाई बहन की लड़ाई आज आप लोग भी देख लो कैसे लड़ते हैं देखो। मोलू गंदी बात ना दीदी का है ना। नहीं नहीं तुम छोटे हो, छोटे बच्चे नहीं लगाते अपने बैग में। कहाँ तोड़ दिया, सही तो था वो। तोड़ दिया वो तो लग जाएगा। नहीं यहाँ से तोड़ दिया। अच्छा लो कल दूसरे को। दोनों की लड़ाई में टूट गया, झगड़ा ही खत्म हो गया। चलो कल दूसरा कुरकुरा खा लेना, उसमें निकल जाएगा ठीक है। मोलू दीदी का अब टूट गया, दीदी का अब क्या लगाओगे, न तुम लगाओगे न दीदी लगाएंगी। छोटे होने का फायदा उठाते रहते हो तुम यार। सॉरी बोलो दीदी से तोड़ने के लिए। मैं तुम्हें डांटती रहती हूँ, दीदी को नहीं डांटती हूँ। अरे देखो देखो बहाने। मैं तुझे डांटती हूँ और सही से बताना। नहीं इसी को डांट पड़ती है इसलिए वो कह रहा है। और सुना इंस्टाग्राम पे लाइक एंड फॉलो कर देना आरू की और मेरी मस्ती देखने के लिए। लगी आरू आज हमने बनाई थी मस्ती में वीडियो कि तू तो मेरी जान है।